ठीक है भाई। समझ में आ गया सभी के? यस सर। तो इसी तरीके से यस सर, जरूरी नहीं है कि यही सेफ बनाओ, कुछ भी बना सकते हो। ये तो मैंने थोड़ा वीडियो की वजह से सेफ थोड़ा बना दिए, आप कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, उसके बीच में और हम क्या कर सकते हैं? फीचर्स एक्स टू कट, यहां से दोनों तरफ बोथ साइड। ठीक है भाई, उसके बाद आते हैं मैन कमांड पे, जो हमको कमांड सीखने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टॉप पे स्केच करेंगे, नॉर्मल एक सर्कल बना लेंगे। यहाँ पे सर्कल बना लिया, ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है? यस सर। डायमीटर कर लेंगे इसका 170। ठीक है, उसके बाद में ले लेंगे कमांड ऑफसेट। रिवर्स साइज बढ़ा लेंगे हल्का 20 mm। फिर से अंदर वाले को ऑफसेट करेंगे,
अरे वर्ड्स समझ में आया, एक बार और करेंगे इसको ऑफसेट। सर्किट को सेलेक्ट किया, ऑफसेट कमांड, रिवर्स। हेलो सर, हाँ जी, अरे कट किया है एस, वो लाइन पे जाके एस टूट कट कर दिया है ना ये। हाँ कैसे लाइन पे जाके एक्स टूट कट कराए मैंने, और ठीक है सर, ओके। हाँ बोथ साइड दोनों तरफ मैंने एक्स टूट कट किया है। तो ये ओके सर, बना रहे थे। ठीक है, ये हमने सर्कल बना लिए हैं कुछ अलग अलग टाइप के। ठीक है, उसके बाद में लाइन कमांड लेंगे। यहाँ से ये बंद कर लेंगे, सामने से एग्जिट, एक लाइन और बनाएंगे ऊपर से। एग्जिट, एक लाइन और बनाएंगे बीच में से। इसका एंगल चेक कर लेंगे, 45 होना चाहिए बीच का, 45। ठीक है भाई, उसके बाद में क्या करेंगे, हम इस वाली लाइन को सेलेक्ट करेंगे मिरर कमांड, ऑब्जेक्ट अबाउट दिस। ठीक है, फिर ऊपर की दोनों लाइनों को सेलेक्ट कर लेंगे हम, दिस मिरर कमांड, मिरर अबाउट। ये समझ में आया नहीं आया? यस सर, सुनिए आगे। ठीक है, तो इस तरीके का हम सबसे पहले इसको डिजाइन कर लेंगे। अब चलते हैं शीट मेटल में। यहां से सबसे पहले करेंगे इसको एग्जिट, कुछ इस तरीके का बन जाएगा हमारा। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर, हाँ, उसके बाद में जाएंगे वेंट कमांड है। स्टार्टिंग वाला सर्कल हम सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से पोजिशन हमारा खाली हो जाएगा। ये समझ में आया? यस सर, ठीक है, उसके नीचे आ जाती है फिर। देखो इसी में लेफ्ट हैंड में, इसमें से हमको साइज सेट करना पड़ता है। सबसे पहले रिब का क्या आपको साइज चाहिए, तो साइज आप डाल लो। यहाँ पर पहले से 5 डाला हुआ है, मैं 3 कर लेता हूँ उसको। ठीक है, ये मैंने 3 कर लिया। जितनी हमने रिब बनाई है, सबसे पहले रिब को हम सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड डायमीटर हमारा सेलेक्ट था एक पहले, ठीक फिर से लेंगे। देखो एंड सर्कल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या कर रहे हैं, रिब का साइज यहां से सेलेक्ट कर लेते हैं, 3 mm। दिखाई दे रहा सभी को? यस सर, हाँ, तो इस तरीके से हम जितने भी हमारे पास में रिब हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। साइज हमारा थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, तो हम थोड़ा और बढ़ा लेंगे इसको, 3 की जगह 5 कर लेते हैं अब। ठीक है, उसके नीचे आएंगे फिर स्पेयर्स पे। उसके बाद में क्या है कि जो हमारे सर्कल बने हुए हैं उसको सेलेक्ट किए, साइज अपना हिसाब से डाल सकते हो, उसमें बड़ा गाट उठा सकते हो। जैसे 2 mm दे रखा है, इसको आप 4 mm कर लो, 5 करते हैं, 5x5 हो जाएगा क्योंकि ज्यादा ही छोटा लग रहा है। समझ में आ गया?
उसके बाद में एक एक सर्कल को आप सेलेक्ट करोगे, ये हो गया। और लास्ट वाले को आप सेलेक्ट नहीं करोगे, और लास्ट वाले पे आप क्या करोगे, नीचे फिल इन बाउंड्री सबसे नीचे कमांड दे रखे है उस पे आके और लास्ट वाले को सेलेक्ट करोगे आके, ठीक है, तो कंप्लीट वहां से सॉलिड बना देगा उसको। समझ में आया नहीं आया? यस सर। उसके बाद में क्या करोगे आप यहां से, ओके तो कुछ आपकी कुछ ये वाली शेप आपने देखी भी होगी, जैसे सीबी हो गए और भी तुम्हारी काफी सारी चीजें होती हैं, तो जहाँ पे एडजस्ट फैन लगा हुआ रहता है बाहर की एयर को लेने के लिए, कुछ जाल टाइप का बना हुआ रहता है, देखा है नहीं देखा, इलेक्ट्रिकल बॉक्स में आपने देखा होगा ये वाला, देखा है नहीं देखा ये सब चीजें? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये उसी को बनाने के लिए वैन शायद जो तुम्हारा 2016 का जो वो है वर्जन उसमें नहीं है, वेंट वेंट भी नहीं है और ये भी नहीं है, टैब एंड स्लॉट इसका काम नहीं करता यार, काफी ट्राई किया मैंने पहले भी। टैब एंड स्लॉट का मैं आपको बता दूंगा किस क्या तरीका है इसका, क्योंकि हर किसी सॉलिड वर्क में नहीं है ये वाली कमांड, ये अभी आई है लेटेस्ट में टैब एंड स्लॉट। तो ये समझ में आया नहीं आया, या फिर से एक बार और मैं प्रैक्टिस कराऊं? ये आ गया सर। सर एक बार सर ये जो मीटर फ्लेंज करके था उसका वाला मीटर फ्रेंज वाला बता दीजिएगा। कैसे सर? जो मीटर फ्रेंज फ्लेंज का है, हाँ हाँ, वो कम करते हुए उसे दोबारा बता दीजिएगा। ओके, उसको बताते रहे हम, ठीक है। इस वाले कमांड का आप प्रैक्टिस करना, और बाकी अभी मैं मीटर फ्लेंज करा देता हूँ, मीटर फ्लेंज के बाद में और बता दूंगा मैं एक बार और इसको, यहीं पे लगा लेते हैं भाई मीटर प्लान। देखते हैं कहाँ पे लगाएं। मीटर फ्लेंज का यूज होता कहाँ है, मतलब कब है इसका? हम जैसा कोई भी बॉडी बना रहे हैं हम, तो उसमें क्या कि एक तो नॉर्मल उसको बेंड किया जा सकता है, ठीक है, और कुछ प्रोफाइल ऐसी रहती हैं उसकी, स्केच हमको अलग से बनानी पड़ती है। अब ये हो गए, यहाँ से मेरे को ये अलग बनाना है, यहाँ से कुछ कर्व टाइप का, तो आप वहाँ पे बैंड नहीं कर सकते ना उसको इतना कर्व टाइप में, तो आप क्या करोगे इसमें पहले से इसमें कर्व टाइप की कोई स्केच बना लोगे यहाँ पे, कोई भी शेप आप बना सकते हो। ये तो मैंने ऐसे ही अपना रफली ले ली, तो वहां से इसी टाइप का वो बन जाएगा शेप। समझ में आया नहीं आया ये वाला? ये पर्टिकुलर एक एज से ड्रॉ करना पड़ता है लाइंस या कर्व वगैरह? हाँ, जो भी शेप बनाओगे आप वही डिजाइन करेगा, वही से बैंड करेगा उसी हिसाब से। अगर से ये जो बीच में वहां पे बनाया होता तो कहाँ पे? बीच में, तो बीच हाँ। में बन जाएगा, बीच में कोई दिक्कत नहीं है, एज है वहां पे। हाँ, तो आपको
स्केच भी तो मुझे बनानी पड़ेगी ना। ये हो गया देखो। हेलो सर। हाँ हाँ हेलो सर, ये वेंट कमांड है, ये मेरे में तो है नहीं। अच्छा कौन सा वर्जन है भाई आपका? 14 है। 14 वाइस तो वाइस आप महसूस कीजिए उसको कमांड को क्योंकि 2000 मैंने क्या बोला था, मैंने कि ये अभी कमांड अभी लेटेस्ट है, किसी किसी में नहीं मिलेगी, जो पुराने वर्जन है शायद 16 वाले में है नहीं है, कोई पता नहीं है 16 वाले में, पर 14 वाले वाले 14 हुए तो है ही नहीं। ओके सर। और अगर होगी भी तो यहाँ पे जाइए आप राइट हैंड पे जहाँ पे ये लिखा हुआ है सर्च कमांड, सर्च कमांड में जाके उसको सर्च मारिए, अगर कमांड होगी आपकी तो मिल जाएगी। ठीक है देखो एक बार सर्च मार के देखो। नहीं है सर। नहीं है बस तो हाँ महसूस कीजिए उसको, नेक्स्ट टाइम जब भी डलवाओ आप एडवांस वर्जन डलवाना। तो कोई नहीं सर, हम दे देंगे 2000 से। हाँ आपस में शेयर कर लेना। अरे उसने कॉर्नर नहीं दिया उसका। देखो इस वाले फेस से बनाना है तो आपको इस वाले फेस पे स्केच करना है नॉर्मल। देखो भी कॉर्नर से बना नहीं बना, नीचे से नहीं बना भाई, नीचे से नहीं बना। नहीं देगा क्योंकि ये नीचे से बनना चाहिए, एक कॉर्नर से स्टार्ट होना चाहिए और लास्ट तक वो टच होना चाहिए, वहीं पे काम करेगी ये वाली कमांड। ठीक है नॉर्मल ऐसा बीच में ये कमांड लगी नहीं रहा था। हाँ वो कभी कभी ऐसे ही काम करेगी ये, जो अगर जहां आपने गलत बना दिया तो वहां पे कमांड ये शो नहीं करेगी। ठीक है अगर आप इस वाले कॉर्नर से बनाओगे इस वाले कॉर्नर से तो जाके यहाँ पे लास्ट हो जाएगी। ठीक है तो उस तरीके का। हाँ और भी हम बना सकते हैं अलग से शेप बना सकते हैं हम, यहाँ से एग्जिट करते हैं। ठीक है और यहाँ से हम फ्रंट प्लेन ले लेते हैं। फ्रंट स्केच ये हो गया, उसके बाद में यहां से कोई शेप बना लेते हैं। ठीक है ये हो गया, यहां से जाएंगे शीट मेटल। ये हो गया नॉर्मल और यहां से कोई भी शेप आप बना सकते हो। ठीक है अब देखो या कि यहां से स्टार्ट है और लास्ट तक बन जाएगी शीट मेटल। समझ में आ गया नहीं आया? यस सर। तरीके से आप बना सकते हो उसको, जैसे भी आप शेप बनाओगे मुझे बेंड कर देगा उसको।
समझ में मेरे समझ में नहीं आया ये, अब भी नहीं आया समझ में वो ध्यान संवर था कैसे मतलब कि देख नहीं रहे थे इस पे। अच्छा चलो कोई नहीं, ये प्लेयर तो बना लोगे आप कोई भी सॉलिड। उसके बाद में क्या है कि हम इसका फर्स्ट कॉर्नर, ये पहले वाली साइड, इस पर स्केच करते हैं। यहाँ से पहले एग्जिट करते हैं, फिर से स्केच बिना फेस हम सिलेक्ट किए डायरेक्टली स्केच करें तो किसी एक कॉर्नर से बनेगा या नहीं? अब भाई उसको प्लान नहीं दोगे आप तो कहाँ से बात बनेगी, क्योंकि उसके बाद में आपको अगर मैं डायरेक्ट लाइन लेता हूँ तो उसके बाद में वो मांगेगा प्लेन कि किस प्लेन से आप। देखो जैसे मैंने लाइन कमांड ले लिया, मैंने अभी कोई फेस नहीं ले रखा, ठीक है। जब भी मैं लाइन सेलेक्ट करूँगा तो वो तुरंत वहाँ पे एरर दिखाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो, मांग रहा है नहीं मांग रहा? यस सर। ठीक है, तो जब उसके बाद में एज आप दे लो कि इस वाली एज से बनाना है, अब बन जाएगा। ठीक है, इसको नॉर्मल कर लो। ठीक है, यहाँ से मीटर फ्लेंज आप लगा सकते हो। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, इस तरीके से आप लगा सकते हो। और भी काफी सारी चीजें हैं। और हमारी कौन सी कमांड रह चुकी है इसमें? सिंपल होल, इसमें कुछ नहीं है। एक्सट्रूड कट हो गया, ऐसा ही कुछ नहीं है। आपको स्केच ले लिया, स्केच लेने के बाद में आप डायरेक्ट लगा सकते हो ये वाली कमांड, नॉर्मल कट। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसमें कट लगाना है। देखो यहाँ से एग्जिट, ये वाला फेस, स्केच, नॉर्मल, यहाँ पे सर्कल बना लो आप। ये समझ में आया? इसका साइड डाल लो आप कोई भी 20। और कंट्रोल दबा के पहला सर्कल सेलेक्ट कीजिए, सेकंड वाला, थर्ड वाला, और छोड़ने के बाद में इसको इक्वल कर दीजिए तो तीनों का साइड एक जैसा हो जाएगा। उसके बाद में सीड मेटल, एक्सट्रूड कट, यहाँ से थ्रू कर सकते हो, बोथ साइड कट लगा देगा। समझ में आया? समझ में आ गया नहीं आया? यस सर। यस सर। ये तो सर बाकी एक्सट्रूड कट जैसा ही है। और क्या एक्सट्रूड चाहिए आपको, तो एक्सट्रूड भी हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ऐसा कुछ खास नहीं बचा है। और आपकी बची हैं फोल्ड अनफोल्ड, ये कमांड बची है। तो इसमें जो आपको अनफोल्ड करना है या फोल्ड करना है उसको आप अलग अलग तरीके से आप फोल्ड कर सकते हो और अनफोल्ड भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको क्योंकि हमने फोल्ड ये वाला देख लेते हैं। हो गया,
यहाँ से फोल्ड था ना ये वाला, समझ में वो आया नहीं आया आपके? सर एक बार फिर से बैक करके दोबारा क्रिएट करिए कम। आपको वो दिन पता हुआ क्या हुआ? अभी देखो, पहले हमारी सेफ ये थी, उसके बाद में इसको अनफोल्ड करना है तो ये सीधा हो जाएगा। यहाँ पे पहला फेस यहाँ पे, और इसके बाद में ये वाला, और राइट क्लिक करना है। ठीक है, आप जोन 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 सा उसका एज को सेलेक्ट करोगे, वहीं से अनफोल्ड कर देगा उसको ये वाला। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई ज्यादा खास कमांड भी नहीं है। ठीक है, और बाकी सब हो चुके हैं, सिंपल होल लगा सकते हो, कट लगा लो वो कुछ भी। ठीक है, लाइन कैसे पे मतलब हटा देता है क्या? मतलब कैसे घटाता नहीं है उसको, सीधा कर देता है वो। सर जो ऐसे फोल्ड पर होने पर लाइंस बनी होती है वो लाइंस हटा देता है। अच्छा हाँ, वहां से हाइड भी कर सकते हो, लाइन को हटा देता है वो, ये सीधा हो जाएगा ना यहाँ पे। पर वो बैंड वाली लाइन आपको दिखाएगा, वो प्लान नहीं बना देगा उसको। जैसे ये है ना, ये प्लान है, तो ये इसको प्लान नहीं बनाएगा वो। स्टॉप ये स्टेप रखेगा बीच में, क्योंकि आपको अगर आगे से फिर से फोल्ड करना रहेगा तो वो वहां से कर लेगा। देखो, जैसे ये हमारा मुड़ रहा है ना यहाँ से रेडियस, तो ये बीच वाली लाइन वहां पे शो कर देगा वो हल्का हल्का। देखो, ये वाला फेस मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद में ये वाला इस। ये वाला ठीक है, ये वाला मैंने, और उसके बाद में राइट क्लिक। ठीक है, तो ये यहाँ से दिखा देगा, क्योंकि यहाँ से अगर आपको फिर से फोल्ड करना पड़ेगा तो आपको भी पता होना चाहिए ना ये कहाँ से हमारा अनफोल्ड हुआ है। तो यहाँ से ये रेडियस बना हुआ था हमारा, जैसे ये बना हुआ है ये वाला, जैसे आपको अब ये वाला करना है, इस वाले को लिया मैंने, इस वाले को ले लिया। समझ में आ गया? यस सर। हाँ, तो इसी तरीके से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से देखो हमने यहाँ से अनफोल्ड किया है, तो वहां पे शो करेगा ये वाला कि यहाँ से ये अनफोल्ड हो क्या हुआ है हमने। ठीक है, फिर बाद में, क्योंकि अगर ये प्लान हो गया तो आपको यही पता नहीं लगेगा वही हमने कहाँ से इसको अनफोल्ड किया था। तो उसको शो करने के लिए वहां पे वो शो करेगा। समझ में आया नहीं आया? आगे कराएं, आगे क्या रहेगा हमारा? और बताओ, आगे क्या समझ में नहीं आया? एक बार और हम वेंट की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे कि आपके समझ में आ जाए, कि बाद में लगे कि किसी का वेंट ही नहीं लग रहा है। सर ये क्रॉस ब्रेक हो चुका है, कैसे? इस क्रॉस ब्रेक और इस केज बैंड जो कमांड है वो हुआ है कि नहीं अभी? वो तो गया, आप कहाँ थे, क्लास में नहीं थे? स्केच बैंड कराया नहीं कराया भाई? सर शायद नहीं स्केच बैंड तो कराया। करवा दिया सर, स्केच बैंड तो हो गया सर, स्केच बैंड नहीं कराया? हो गया सर, करवा दिया। करवा तो दिया, चलो और एक बार और रिपीट करा देते हैं। नहीं आ रहे। चलो कोई नहीं, इसको नॉर्मल कर ले। ठीक है, ये समझ में आया? सबसे पहले मैंने स्केच बना लिया, उसके बाद में स्केच बैंड।
वो सिंपल वाली लेगा भाई बीच में, अगर हमको बीच में से बेंड करना है, क्योंकि ये तो जॉब कमांड में हमारी काम आएगी, स्केच वाली जॉब। साइज बढ़ाना पड़ेगा, कॉर्नर क्लियर द पैंड स्केच लाइन प्लीज। अलग से लेनी पड़ेगी, अलग से कोई बॉडी बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास में काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो खुली रखी हैं, क्योंकि एक लाइन यहाँ पे भी बनी रखी है, एक लाइन यहाँ पे भी है, पता ना कौन सी को वो ले ले, इसकी वजह से हमको अलग से बनाना पड़ेगा कुछ। और आगे रिपीट करा देता हूँ मैं, कंट्रोल लाइन नया पेज ले लेते, कुछ ज्यादा चीज खुली होगी उसमें। ठीक है, कोई भी रेक्टेंगुलर बॉडी यहाँ से बना लेते हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर, कहाँ गए सेंटर, ठीक है भाई, यहाँ से जाएंगे सीट मैटर, ये समझ में आया, समझ में आया नहीं आया, आवाज आ रही है भाई, बताओ तो दो। उसके बाद में स्केच बैंड, इस वाले फेस को नॉर्मल करेंगे, लाइन खींचेंगे, हो गया बैंड, नहीं हुआ, यस सर, जहां से हमने लाइन को खींचा था वो वहीं से बैंड कर देगा, यहां से भी अलग अलग शेप चेंज कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप बैंड कर सकते हो, जैसे ये वाला फेस को आपको बैंड करना है, स्केच स्केच नहीं करेंगे, नहीं तो दिक्कत करेगा, हम सबसे पहले स्केच बैंड लेंगे, इस वाले फेस को नॉर्मल करेंगे, यहाँ से एक लाइन बना लेंगे, यहाँ से ले लेंगे, अरे कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है, उसके बाद में एग्जिट, और इस वाले फेस को बैंड करना है यहाँ से, तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, समझ में आया नहीं आया, पहले स्केच बैंड सिलेक्ट करेंगे उसके बाद स्केच करेंगे, पहले बना सकते हो, क्योंकि कुछ बीच बीच में ऐसी रहती है ना कि वहां से वो सेलेक्ट नहीं कर पाता हो, तो इससे पहले हम स्केच बैंड का ही यूज कर लें पहले, उसके बाद में स्केच बना ले, ठीक है, पहले ही बना सकते हैं अगर लेगा तो, शायद ले तो लेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बनाया है ना, इसमें मैंने पहले भी स्केच से बनाया हुआ है, ठीक है।
ठीक है, एग्जिट करना पड़ेगा आपको। अच्छा पहले से बैंड ले रखी है क्या मैंने? वो अभी नहीं चाहिए बैंड, एग्जिट। ठीक है भाई, इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे हम। अब देखो लाइन को मैंने सेलेक्ट किया तो तुरंत ले लिया, उसके बाद में ये वाला पेज मैं दूंगा। आगे समझ में? तो आप ऐसा नहीं है कि पहले ही बना सकते हो उसको, बट ये कि लाइन से एग्जिट होना पड़ेगा हमें सभी कमांड से। जब आप उस वाली कमांड को लोगे स्केच बैंड को, तो वो लाइन को सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। समझ में आ गया? नहीं आया? यस सर। हाँ तो उसी तरीके से आप यूज कर सकते हो। और बताओ, और कौन सी, और कौन सी कमांड थी? क्रॉस ब्रेक वाली? क्रॉस ब्रेक से? क्रॉस ब्रेक में कुछ नहीं है, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन पर भी काम नहीं करना हो। जैसे आपने देखो हमारे पास में क्या है कि सभी शेप हमारी कुछ एक जैसी बनी हुई है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो कुछ हमारे प्रोजेक्ट ऐसे रहते हैं जिसमें एक जैसी ये दिखती है, जैसे ये हमारी, अगर हमको इस पे काम करना है, इस पे नहीं करना, ठीक है, तो उसके लिए पता करने के लिए हम उस पर क्रॉस ब्रेक का यूज कर लेते हैं। तो इस वाले फेस को हमको अभी काम नहीं करना हो, या गलती से काम हो जाता है बीच बीच में, तो हम क्या क्या उस पर क्रॉस का साइन बना लेते हैं। समझ में आ गया? जैसे ही आप ओके करोगे तो यहाँ पे क्रॉस का निशान बना हुआ है। समझ में आ गया कि इससे हमको पता लग जाता है कि हमें इस वाले फेस पे काम नहीं करना, हमको इस वाले फेस पे काम करना। केवल इतना बाकी है इसका, और बाकी कुछ भी? और बाकी समझ में आया? नहीं आया? और चलो बढ़िया है। एक बार और मैं उसका आपको वेंट कमांड को और दिखा देता हूँ, क्योंकि एक बार में वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है भाई, यहाँ से कुछ चीज हम डिलीट मारेंगे। ठीक है, यहाँ से कुछ स्केच बनी हुई है, इसको भी डिलीट मारेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे स्केच करेंगे नॉर्मल। अगर आपके पास में ये कुछ इस टाइप का बना हुआ हो, ठीक है, ये हो गया, इसको फिर से ऑफसेट करेंगे रिवर्स। ये समझ में आया? नहीं आया? उसके बाद में 5 mm और हम अंदर वाले को रिवर्स कर लेंगे, ऑफसेट 5 mm या 15 mm कर लेते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद में एग्जिट। सर्कल भी बनाना पड़ेगा भैया। चलो देख लेते हैं।
बाकी करके वैन इस वाली लाइन को कंट्रोल दबा के ये तो आपको चारों लाइन सेलेक्ट करनी पड़ेंगी जब जाके हमारा ये काम करेगा। कहीं बाकी आप सोचोगे हम एक लाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं रेक्टेंगुलर में, तो वो चीज़ गलत है। ये याद रखना कि अगर हमारे पास में सर्कल है तो केवल हम सिंगल सर्कल को सेलेक्ट करके ये बीच में से खाली कर सकते हैं, ठीक है? ये yes, हाँ, और रेक्टेंगुलर शेप में बन रहे हैं तो हमको ये चारों आउटर बॉडी सेलेक्ट करनी पड़ेगी जब जाके हमारा खाली होगा पोर्शन। उसके बाद में रिब लगा सकते हो यहाँ से रिब। रिब तो हमने बनाया ही नहीं है इसमें, शेप हमने गलत डिजाइन कर रखी सर। एक बार इसी पे एंटर कर देते हैं। कैसे? नहीं नहीं वो शेप हमने गलत बना रखी है ना, उसमें हमको उसी के हिसाब से बनाना है ना। थोड़ा कुछ सर्कल भी लेने हैं, कुछ रिब बनानी है हमारे बीच बीच में से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्केच को एडिट करते हैं नॉर्मल, ठीक है? हम यहाँ से लाइन कमांड लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं लाइन कमांड। कौन थोड़ी दिक्कत कर रही है यार आज हमारी। यहाँ से हो गया, एक लाइन में इधर से बनाऊंगा, ये हो गया, ठीक है? ये हो चुका हमारा, यहाँ से बाहर निकलेंगे और हमारे पास में सर्कल और बनाना पड़ेगा शायद, क्योंकि हमारे जो बीच के जो लाइन है अब वो अलग अलग सिंगल बनी हुई है। तो एक बार और देख लेते हैं, हमको ये वाला फेस, ठीक है? उसके बाद में रिब का यूज करेंगे हम, ये हो गया, समझ में आ गया? यस सर। बीच वाला ही बनाना चाहिए था, कोई नहीं, यहाँ से हम अगर बीच वाले के चारों साइड को मतलब कंट्रोल करके करें तो फिर शायद बन जाए। नहीं उसमें लगाना पड़ेगा ना, ये चारों लाइन मर्ज करनी पड़ेगी आपको। जैसे ये हो गया हमारा, तो वहां थे हम फिलहाल, रिप पे थे हम। ठीक है, यहाँ से बन गया, नहीं बन गया बनेगा, सॉलिड नहीं बनेगा उसमें जो ये चारों लाइन मर्ज होनी है। मर्ज होने के बाद में उसको
फिल अप करना है उसको लास्ट वाली कमांड को। अगर हमारे ये चारों लाइन भीतर की हमारे पास में पड़ जाए तो भीतर की ये सॉलिड बना देगा। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो, ठीक है। ये समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं? यस सर, यस सर। ठीक है, तो मैंने दोनों तरीके का आपको बता दिया। रेक्टेंगुलर शेप में, रेक्टेंगुलर में थोड़ा दिमाग से लगाना पड़ता है, उसमें अलग अलग लाइनों को सेलेक्ट करना पड़ता है। और सर्कुलर में क्या, कुछ नहीं है, सर्कल बना रखा है उसको तुरंत सेलेक्ट करना है, जो आपने रिब बना रखी है उसको रिब को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इतना कुछ खास है नहीं इस वाली कमांड में, वैसे बढ़िया कमांड है, आप यूज करोगे एक दो बार तो समझ में आ जाएगी। और बताओ कोई दिक्कत हो तो इसमें, क्योंकि इससे अलग कुछ है नहीं कमांड इसमें शीट मेटल में। उसके बाद में आपको स्टार्ट करेंगे बेलमेंट। बेलमेंट के बारे में हमको बताओ कुछ, कहाँ उसका यूज किया जाता है, किस लिए हम यूज करते हैं, और किस किस टाइप की उसमें ड्राइंग हम बना सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था सर, वेल्डमेंट में वो ब्रिज वगैरह जैसे रहता है वो सब ड्राइंग बनाते हैं। हाँ बिल्कुल। और क्या बना सकते हैं? मुझे यही याद आ रहा है ब्रिज का। और सर वहाँ पे मतलब क्या करते हैं, वेल्डमेंट का यूज करके हम दो जॉइंट्स जो होते हैं उनके बीच में भी कुछ जो भी मतलब किसी सिस्टम में फैन लगाओ वेंट नहीं, वेल्डमेंट का बताना। यार तुम तो कुछ और ही बता रहे हो। सर बॉडी में बनाते हैं, जैसे कि किसी सर जैसे लैपटॉप की बॉडी है सर। हाँ सर, उसके में नीचे फैन लगा होता सर, उसकी वो डिजाइन होती है ना इससे। हाँ मैं इसकी बात नहीं कर रहा वेंट की। और सर वेल्डमेट जो दूसरा है। अच्छा सर वेल्डमेट्स। हाँ अच्छा, किसी भी स्ट्रक्चर का ना स्केलेटन बना देता है वेल्डमेंट। इसमें जैसे तुम्हारी कोई फैक्ट्री बनी है उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा तो वो yes, sir, yes, sir, कर सकते हो। जो ब्रिज है उसका भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, जो नीचे का जो बेस रहता है उसको भी आप बना सकते हो। जैसे घर में जो तुम्हारे एंगल लगी हुई है जिसको गार्टर बोलते हैं, जो गांव में जो रहते हैं, गांव वाले तो समझ गए होंगे शायद, शहर वालों को yes, sir, गार्टर होते हैं सर, गार्टर पटिया, गार्टर होते हैं yes. पटिया नहीं बनाएंगे, गार्टर बनाएंगे। तो इस टाइप के एंगल आप डिजाइन कर सकते हो। डिजाइन का उसमें अलग अलग शेप पहले से बनी हुई रहती है, केवल आपको साइज डालना है। सर रेलवे लाइंस की जो सर वो रहते हैं। हाँ हाँ वो भी बन, वो भी उसकी भी शेप होती है, यानी शेप होती है उसमें बनी हुई, केवल आपको साइज तय करना है कि ये हमको साइज चाहिए। तो इतना कुछ है नहीं उसमें बेलमेंट में, एक दिन का टॉपिक है, एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगली नेक्स्ट क्लास में हम आपको कराएंगे बेलमेंट। शीट मेटल आपका यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, बाकी आप प्रैक्टिस करना। अरे ड्राइंग के लिए बोल दिया करो यार, बीच बीच में ध्यान दिलवा दिया करो, तो मैं कुछ छांट के आपको ड्राइंग दे दूंगा। हाँ सर, सर आज की वीडियो भी भेज देना, थोड़ा लेट हो गया क्या। कल वाली तो मैंने वीडियो डाल दी थी, पर 18 तारीख वाली आज वाली भेज देना सर, आज थोड़ा लेट हो गया। हाँ ग्रुप में मैंने सेंड नहीं किया था, याद नहीं रहा। मैं आज की और पहली वाली वीडियो दोनों सेंड कर दूंगा आपको। यस सर, ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। यस सर, हाँ गुड नाइट। ओके गुड नाइट सभी को। यस सर।